जेम्स आपने जरूर सुना होगा, विलियम जेम्स वाज अ डॉक्टर. व्हाइल डूइंग मेडिसिन ही रियलाइज्ड दैट आई कैन नॉट डू दिस अनलेस आई स्टडी साइकोलॉजी. तो विलियम जेम्स स्विच करके साइकोलॉजी की तरफ आ गए. अब जब आप बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में विलियम जेम्स की कहानी सारी चल रही थी. ये शब्बीर साहब जाना, ये विलियम जेम्स वाली. साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते उसको समझ आई कि ये मैं नहीं समझ सकता जब तक कि मैं फलसफे को नहीं समझ. तो विलियम जेम्स के बारे में हम कहते हैं कि ये अमेरिकन स्पोक्समैन है, प्रैग्मेटिज्म उसकी फिलॉसफी है. तो एक तो मुझे पहला मेरा कमेंट ये है कि मुझे ऐसे लगा कि शब्बीर साहब ने ना विलियम जेम्स वाला सफर शुरू कर, डॉक्टरी से साइकोलॉजी और साइकोलॉजी से फलसफे. रिडक्शनिज्म की आपने बात की. हाँ, साइंस में हम चूंकि कॉजल कनेक्शन पे चल रहे होते हैं और वो कॉजल कनेक्शन ऑब्जेक्टिविटी पे चल रहे होते हैं, तो हमारा ये इशू है कि हम, सवाल मेरा ये है आपसे, हम इस पे उल्टी बात करेंगे क्योंकि मैं जब आप सुन रहा था तो बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में आई. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं अपनी अम्मी बहुत लंबे अरसे तक बीमार रही, फिर बाबा बहुत लंबे अरसे तक बीमार रहे, तो मुझे डॉक्टर्स के साथ मिलके एक बात ये समझ आई कि डॉक्टर्स इसको क्रिटिसिज्म नहीं समझना. डॉक्टर्स बड़ा जल्दी में होते हैं और बिल्कुल इनकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है. जो आप जो कह रहे हैं ना, हम इसको इंटरप्रेटिविज्म कहते हैं कि डेटा को बाहर से देखने के बजाय आप डेटा के जब तक अंदर नहीं गए, उस सर्कल में नहीं गए. मसलन मैं अगर चाइल्ड एब्यूज पे काम कर रहा हूँ ना, तो मैं अगर बच्चे को क्वेश्चनेयर तकसीम कर दूँ और वो जवाब दे दे तो ये एक जवाब होगा, मगर जब तक बच्चे के साथ मैंने बातचीत नहीं शुरू की और वो मुझे ट्रस्ट और एम्पैथी का रिलेशनशिप नहीं बना, तो बच्चा मुझे कभी भी रियल डेटा नहीं देगा. इसी तरह एक मरीज का भी है. मैंने देखा कि लोगों से मैं बातचीत करता था तो लोग उस डॉक्टर को बहुत अच्छा कहते थे. जो डॉक्टर उनसे बात करता है, जिसको उसका नाम आता है, जब वो गया ना और इसने कहा कि अच्छा फला आ जा, तो वो मरीज एकदम से अपनाइयत उसको फील होना शुरू करता है. इब्ने सीना का ख्याल ये है कि आधा मर्ज जिस्म का है, आधा मर्ज जहन का है, और अगर स्ट्रॉन्ग विल है, स्ट्रॉन्ग सोल है, तो आपकी आधी बीमारी तो वैसे ही चलेगी. तो डॉक्टर्स का अगर रेपो है, डॉक्टर्स की अगर एम्पैथी और ट्रस्ट है, तो वो मरीज पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि इट्स अ पार्टिसिपेटरी पैटर्न. जो आप पैराडाइम शिफ्ट कह रहे हैं, अगर मैं उसको देखूं तो वो ये है कि डॉक्टर ही मरीज को देखता रहे, इसके बजाय व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स. डॉक्टर को पेशेंट के साथ पार्टिसिपेट करना है और पेशेंट को, और ये तब उसी वक्त हो सकता है जब ट्रस्ट और एम्पैथी है. इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जबकि एक डॉक्टर के पास इतनी ज्यादा रश है. देखिए, आपने जो पैराडाइम शिफ्ट कही की बात कही है, उससे बिल्कुल इनकार नहीं है कि एक डॉक्टर जब तक मरीज के साथ सिंपैथेटिक नहीं है, मरीज का उसको नहीं पता कि ये किस गांव से है, किस विलेज, ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत बहुत ज़रूरी बात है. हमारे यहाँ पे जबकि एक डॉक्टर का नंबर लेने के लिए हमें हफ्तों हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता है, क्या डॉक्टर के पास इतना टाइम है कि वो, क्योंकि देखें जो आप बात कह रहे हैं ना, आपने पॉजिटिविज्म की बात की, मैं जल्दी से बच्चों को बता दूं, पॉजिटिविस्ट्स का ये है कि क्वेश्चनेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया, डेटा कलेक्ट किया और डेटा में एसपीएसएस रन कर दिया. बट व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज नॉट दिस. नंबर ऑफ डेटा नहीं है, बल्कि डेटा के साथ आपकी इंटरेक्शन, क्योंकि जो आपने जो बताया ना, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ साइंस इसको ये देखता हूँ कि इसका मतलब है कि आप जब तक फील्ड के अंदर नहीं गए और मरीज के साथ आपने साइकोलॉजिकली पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आप उसके इलाज के लिए नहीं. तो क्या हमारे पास इतना टाइम है डॉक्टर्स के पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन में? क्या ये पॉसिबल होगा जो आप पैराडाइम, अल्टरनेट पैराडाइम सजेस्ट कर रहे हैं हमारे सिचुएशन में? कैन वी प्रैक्टिस इट? सर, आपने यानी बहुत जबरदस्त बातें की है. देयर आर अ लॉट ऑफ इम्पीडिमेंट्स है, बहुत ज्यादा, मतलब यानी ऐसी चीजें हैं जो कि इस यानी रुकावटें हैं ऐसा प्रैक्टिस करने में. मैंने जो मतलब यानी अभी तक यानी जो मैं समझा हूं, या मतलब मैंने जो कोशिश की है कि इसको समझने की, हम लोग इस पे मतलब जब इस पे बात होती है तो हम ये बहुत यानी जो आम
जो आम मत यानी रूटीन की जो वो होती है कि नहीं डॉक्टर जो है वो बस पैसों का बहुत शौक होता है ये और वो, मेरे ख्याल में इस इन सारी चीज़ों की जो जड़ है वो इस जो जिस मॉडल जिस फिलोसॉफिकल मॉडल को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये चीज़ें उसमें इनबिल्ट है, ऑब्जेक्टिविटी में ये इनबिल्ट है कि आपने सिर्फ जो है जो वो उस पर कंसंट्रेट करना है, आपने फैक्ट्स पे वो करना है, वैल्यूज जो है वो यहां पे उसकी अहमियत नहीं है। तो यानी ये जो मतलब इसमें जो बहुत सी चीजें हैं ये हमारे जो मतलब हम जो डॉक्टरों को जो यानी कोर्स पढ़ाते हैं तो आपके लिए हैरान की बात हो कि इसमें फिलॉसफी ऑफ मेडिसिन तो छोड़ें फिलॉसफी इसका एक माइन्यूट पार्ट भी शामिल नहीं, यानी हम एक लिहाज से अगर हम एक वो टेक्नीशियन तैयार कर रहे हैं जो कि इंसान के मतलब कोई प्रॉब्लम है बस ये ठीक कर दे, वो एक इंसान जिसके मतलब यानी जो उसके मतलब एस्थेटिक्स लेवल है उसके जो है मॉरल लेवल है स्पिरिचुअल लेवल है वो मतलब हम यानी बिल्कुल अपने यानी जो मैदान है उससे वो यानी उसको देश निकाला कर चुके हैं, हम वो हमारा वो भी नहीं है मतलब यानी हम उसको स्टडी भी नहीं करना चाहते। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये चीजें ये आसान तो बिल्कुल नहीं है मतलब ये कि इसके लिए फिर सबसे पहले हमें अपने करिकुलम में ये चेंजेस लानी होगी कि हम लोगों को ये तो बता सके कि एक अल्टरनेटिव पैराडाइम है, ये अल्टरनेटिव पैराडाइम ये नहीं कि मैंने वो दरियाफ्त किया, ये जो ये तो मतलब हुसरल और हाइडिगर और ये वो पहले से ये बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कि लोगों को और खुसूसन जब आप इसको मेडिसिन में अप्लाई करते हैं तो इसकी समझ बहुत कम लोगों को है, और बल्कि मैं अगर कहूं ना कि अगर 1% भी मेरे ख्याल में लोग नहीं है जिनको इन चीजों की जो है वो समझ हो, बाकी यानी इस पे अमल करना तो दूर की बात। तो ये मतलब यानी एक बिल्कुल ये आसान बात नहीं है, डॉक्टर जो है वो जब तक उनको इन चीज़ों का मतलब वो इन चीज़ों में ट्रेन नहीं होते तो वो ये चीज़ें जो है ये बिल्कुल बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कि मतलब इस डिस्कशन के जरिए एटलीस्ट अवेयरनेस अगर हम भी लोगों में पैदा कर सकते बिल्कुल हमारा जब हम पैराडाइम में रहते हैं तो हमें एहसास नहीं होता कि हम उस पैराडाइम में, बिकॉज ऑफ ऑल द पैराडाइम्स दे थिंक वी आर ऑब्जेक्टिवली बिल्कुल ठीक है। हमारा पैराडाइम क्या है? हमारा पैराडाइम ये है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसका जो पिनिकल है वो डॉक्टर, प्रॉब्लम ये है। और ये देखें आप फिलॉसफी डिपार्टमेंट का तो मुझे नहीं पता, हर डिपार्टमेंट्स में या हर इंस्टीट्यूशन में हायरार्की है। पैराडाइम हेल्थ का ये है कि आपकी हायरार्की के टॉप पे डॉक्टर है। ये पैराडाइम है जिसमें प्रॉब्लम ये होती है कि डॉक्टर का जो स्पेशलाइज्ड इलम है वो उन चीज़ों को कवर नहीं कर रहा जो कि उससे इर्द गिर्द है। मसलन जेंडर इज़ अ बिग इशू इन पेशेंट, आप देखें परसेप्शन इज़ अ बिग इशू। मॉली पोंटो जो है उसका फिनोमिनोलॉजी ऑफ परसेप्शन, उसकी एक आसान मिसाल ये दे दूं कि पेन जो है जो कि वेरी ऑब्जेक्टिव कंसिडर किया जाता है, पेन के मुतालिक कोई भी ऑब्जेक्टिव स्केल मेडिसिन में नहीं है। इसीलिए जो पेन के रिस्पॉन्स में जो मेडिकेशन दी जाती है वो बाज़ लोगों के अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। किसी को आप पैरासीटामोल दे देंगे ठीक हो जाएगा, किसी को आप मॉर्फीन देंगे तब भी ठीक नहीं होगा, क्यों? लेकिन ये है कि इसका पिनिकल जो है डॉक्टर है। प्रॉब्लम ये है मेरे ख्याल में, ये हायरार्की हटाकर आपको नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट,
सबको एक एज ए टीम पेशेंट को देखना होगा. और दिस इज नॉट अनयूजुअल, बाहर मुल्कों में इसी तरह होता है कि डॉक्टर को मसलन सर्जन है वो सर्जरी कर लेता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास है कि मैंने सर्जरी तो कर ली है लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं. तो मेरे ख्याल में जो जिस पैराडाइम में हम रह रहे हैं वो हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है, वो है हायरार्की, जिसमें डॉक्टर जो है इज द ओनली वन. आपको इस पैराडाइम से हटकर एक लेवल किस्म की केयर के लिए एक टीम बिल्ड करनी होगी, बनिस्पत ये कि डॉक्टर होगा जो कि एक हायरार्की के पिनिकल पे सफल करे. बिल्कुल, ये गाजी ने बहुत अच्छी तजवीज पेश की है. और इस बात से ये तो मतलब मशहूर बात है कि तामस कुन जो मतलब वो ये कहता है कि अब किसी भी पैराडाइम यानी उसको बुनियाद बना के दूसरे पैराडाइम को आप वो क्रिटिसाइज या उसको जज नहीं कर सकते. हर पैराडाइम के अपने उसूल होते हैं, अपने वैल्यूज हैं, अपनी मेथोडोलॉजी है, अपनी. और जहां तक ये बात है कि बिल्कुल ये एक बंदे का काम बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर हम अपने ट्रेडिशन में जरा पीछे 200-300 साल जाएं या मतलब 100 साल भी जाएं, तो हम देखते हैं कि हमारे हकीम जिस तरह मेडिसिन वो करते थे तो उसमें वो बहुत सी ऐसी काम जो कि मतलब आज मतलब उनका सा तसव्वुर भी इंसान नहीं कर सकता कि वो लोगों को जानते थे. वो हर और मतलब जब पेशेंट जाता था तो उसके घर वालों के मुतालिक वो उससे पूछते थे और एक मतलब उसके साथ एक उसकी एक पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप बहुत मजबूत होती. और इसके अलावा वो जो है वो उनमें एम्पथी भी बहुत ज़्यादा है. जैसे डॉक्टर शुजा ने कहा कि डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता, उसकी एक वजह है क्योंकि हम यानी इस चीज को हम प्रमोट करते हैं, इसको हम वैल्यू करते हैं कि एक डॉक्टर सबसे ज्यादा अच्छा डॉक्टर वो है जो तेजी से डायग्नोसिस कर रहे हैं. ये नहीं कि बस वो देख के बस वो डायग्नोसिस कर लें. और ये तो हम यानी इन चीजों को हम प्रमोट करते हैं यानी वैल्यू करते हैं, इसी वजह से ये चीजें जो है वो हमें नहीं आती. तो ये बिल्कुल जी जी बहुत अच्छी डिस्कशन है अल्हम्दुलिल्लाह. मैं थोड़ी सी वजाहत दूसरी फील्ड से करता हूँ और वो है पुलिस का डिपार्टमेंट. पुलिस के डिपार्टमेंट में भी हमारा वास्ता मजलूम से और बीमार से पड़ता है, इसलिए हमारी क्रिमिनोलॉजी की किताबों में और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों में मैंने ये सुना कि ये जराइम जो है ये डिजीज़ की तरह. ये भी एक थ्योरी है, उधर थ्योरियाँ बहुत हैं लेकिन ये भी एक थ्योरी है कि ये भी एक मर्द है और इसको ठीक करना. हमने अपने सिलेबस में डॉक्टरों वाली में नहीं, वो भी मैं पढ़ चुका हूँ, उसमें कम्यूनिटी मेडिसिन है लेकिन मैनेजमेंट, लीडरशिप, इंटरपर्सनल रिलेशन, पब्लिक सेटिस्फेक्शन, कम्युनिटी सेटिस्फेक्शन, कम्युनिटी मेडिसिन में जिस तरह हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग है पैरेलल, उसमें फिर ये चीज़ें शामिल हैं. वो एक मॉडल है. पहले हमारे पास भी मॉडल था जीरो टॉलरेंस पुलिसिंग, प्रॉब्लम ओरिएंटेड पुलिसिंग, कि भाई मसला हल करो जैसे भी है, बस घी है वो सीधी उंगली से नहीं है, टेढ़ी उंगली से. क्योंकि हमें कहा जाता है कि यू आर लाइक ए फैक्ट्री वर्कर्स, आपसे रिजल्ट के मुतालिक पूछा जाएगा कि भाई कितना माल फैक्ट्री से बाहर निकला, कितना ठीक है भाई जल्दी जल्दी से. वो हम आपसे वर्क का पूछेंगे, आपसे नमाजों का, लोगों की खुशी का नहीं पूछेंगे. ठीक है, ये मॉडल अब चेंज हुआ है, जैसे डॉक्टर साहब ने एक पैराडाइम शिफ्ट किया है. मैं और ये कॉलेज के ज़माने में एक ही तरह के दौर और कश्ती के, तो हमने क्रिमिनोलॉजी में एक मॉडल डेवलप किया है ह्यूमन राइट्स फ्रेंडली पुलिसिंग, जो वो जीरो टॉलरेंस. और उसमें ये पेशावर यूनिवर्सिटी के स्कॉलर भी हैं, वो इंटरनेशनली भी आर्टिकल्स छप चुके हैं और उसके हमने प्रैक्टिकल चीज़ें बनाई कि मरीज से आप बात करें
ठीक है, ये जो मुजरिम है इससे भी बात करें, और वो जिसके साथ ये वाक्य हुआ है। अब सवाल आते हैं, शुजा साहब ने कहा कि डॉक्टर के पास वक्त नहीं है, मेरे पास मेरे ऊपर कई इंक्वायरियाँ थी, कई मुश्किलात सर्विस में थी, मेरा ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल होता था, हर दूसरे तीसरे महीने गोली कान छोड़ जाती, मेरा जो डॉक्टर था फिजिशियन वो हर बार मेरे को मिलीग्राम बढ़ा देता था या फिर वो एक और गोली बढ़ाता था, फिर एक गोली शाम को एक सुबह को। वो जब मुश्किलात ख़त्म हुई तो उससे मेरा बीपी जो है फिर हाइपोटेंशन में चला जाता था, वो गोलियाँ ज़्यादा थी, आहिस्ते आहिस्ते एक गोली कम कम करके फिर वो उसमें मिलीग्राम भी कर। तो मैं एक दिन उसके पास गया, मुझे कहा कि यार आपका बीपी तो बड़ा अच्छा कंट्रोल है। मैंने कहा आप इतनी मिलीग्राम की गोली खाते हो, ये आपने इतना लंबा छोड़ा जो लिख के नहीं खा दो, ये कैसे हुआ? मैंने कहा यार आप मेरे ऊपर नेब की इंक्वायरी नहीं ख़त्म करा सकते थे, ठीक है ना, तो आपने गोली देनी थी मजीद, ठीक है ना। मेरे मसले मसाइल ये थे कि मैं बलूचिस्तान में फंसा हुआ था, उसके ज़ाहिर है मुझ पर असरा थे, वहाँ इंसर्जेंसी थी, बच्चे इधर थे, एक में खुशदार में था, एक हालत जंग, आपने वो नहीं डील कर, आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते थे, तो आपने गोली बढ़ा देनी थी, ठीक है। तो ये एक डॉक्टर साहब ने जो कहा ना, अब डॉक्टर के पास टाइम नहीं है। मैं 1988 से मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ मुकदमों में जाता हूँ, हमारे साथ वहाँ भी मसला है कि वकील को देखें तो उसके पास वक्त नहीं है, मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। वो फिर सोचते हैं ये सिस्टम में जो ख़राबी है तालीम में, अब तालीम कमर्शलिज्म पर बेस करती है उधर, कि आपने पैसे कमाने, आपने ये कहने फीसें लेनी और एक दड़ा दड़, फिर आपके ऊपर वो मेडिसिन वो क्या है फार्मास्यूटिकल कंपनियों का भी प्रेशर है, घर का भी प्रेशर है, बहुत सारे। तो उसमें मरीज के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप गायब ही नहीं हो सकती। उसका एक जवाब तो स्पेशलाइजेशन, अल्ट्रा स्पेशलाइजेशन है ना, कि मैं देखा अलग डॉक्टर हो तो मेरा इंटरस्टाइन अलग, कोई इस तरह का मसला होना चाहिए। जैसे मैंने वो क्लास ये कहा, उन्हें कहा इसका फिर क्या हल करें, जब भी वकील नीचे अदालत में बोले वो जी सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, वो जी हाई कोर्ट गया हुआ है, वो जी उस बेंच में। तो एक दिन मैंने वो क्लास से कहा कि ऐसे आप अपना एक ज़ाबता अखलाक बनाएं कि जो आप में से वकला हैं और वह बहुत वेलअप हो गए हैं, फाइनेंशियली सेचुरेट हो गए हैं, उनसे कहें कि आप सुप्रीम कोर्ट के अलावा दूसरा केस न लें, ठीक है, फारिग हो जाए सिर्फ उसके लिए कि आप उधर मौजूद होंगे, ये जो हाई कोर्ट वाले हैं ये सेशन में केस ना लें। अब आपका सुप्रीम कोर्ट का वकील सिविल में भी आ जाता है, वो अपने शागिर्द वगैरह के तहत वकालतनामा भेज देता है, तो मार्केट में इधर भी आप मौजूद हैं उधर भी मौजूद है, जाहिर है कि फिर आप हर जगह तो नहीं पहुंच सकते। तो ये एक तो इसका हल स्पेशलाइजेशन का है, एक इसका हल जो है डॉक्टरों के दरमियान खुद एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है कि हम इतने से ज़्यादा मरीज हैं, और इसकी मिसालें हैं, इसकी एक मिसाल हमारे अल्लाह बख्शे डॉक्टर अनीस साहब साइकाइट्रिस्ट थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, और वो गवर्नर और वजीर आला को भी टाइम नहीं देते थे किसी को भी, ठीक है, ये अलग बात है कि मेरे साथ उनकी आज़ादी थी, मैं ऐसे भी जा सकता था, मरीज़ भी ले जाता था, ठीक है, लेकिन वो एक मरीज पर एक एक घंटा गुजारते, ठीक है, और फिर वो ज़्यादा फीस ज़्यादा लेते थे लेकिन मरीज़ कम देखे। जो मेरे दूसरे डॉक्टर दोस्त हैं उनके नाम नहीं लेता हूँ, उससे मैंने कहा यार आप न्यूरो सर्जन हैं, वो आप इतना रश है बाहर, इतना रश है, और एक बुचर की तरह ना, जैसे कलिंग नहीं होती उसकी आप छूट। तो डॉक्टर साहब इन पॉइंट्स पर ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि हम इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का कैसे सिस्टम करें ताकि हमारे पास एक मरीज पर गौर व फिक्र का जो है। आपको मैं दूसरी मिसाल देता हूँ, मेरे पाँव में एक तकलीफ थी, यहाँ के प्रोफेसर शब्बीर आर्थोपेडिक जो है उसने कहा कि मुझे इसमें कोई तकलीफ नज़र नहीं आती, डॉक्टर साहब सुने ये जी जी, और दूसरे डॉक्टर साहब मेरी गुफ्तगू थोड़ी तवील हो रही लेकिन इससे आप हैरत में गुम हो जाएंगे इस मिसाल से, कि मेरे साथ हुआ है और अभी अभी हुआ है चंद साल पहले। दूसरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि हमारे मुमताज़ साहब न्यूरो सर्जन है कि ये स्ट्रेस फ्रैक्चर है, ये भी एक अजीब चीज़ थी,
डॉक्टर भी हैरत मतलब बहुत सारे डॉक्टर उस पर नाकाम हुए। आखिर मुझे आई जी साहब ने कहा कि आप झूठ बोलते हैं। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, बचपन से लेके आज तक मेरी आदत नहीं है, मैं एक लिखारी आदमी हूँ, एक फलसफी टाइप का आदमी हूँ, मैं एक मुसन्निफ भी हूँ, मैं झूठ मूठ नहीं बोलता हूँ। ठीक है, ये मेरे ख़ानदान ने मुझे तरबियत नहीं दी है, मैं बात ना बताऊँ अलग बात है, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा। तो उसमें ये उसने मुझे आगा खान भेज दिया, आगा खान की ये काउंटर चेक करो। वहाँ एक हाफिज आदमी थे और जब मैं गया तो उसने मुझे कहा कि ये स्किन पर आपको कोई ख़ारिश सी है। उसने कहा ये तो सोराइसिस है, अब बहुत बड़ी बीमारी है फंगल। ओए होए होए, ये आपके वालदेन को भी थी? मैंने कहा हाँ, वो तो वाल साहब ये वैसे इचिंग स्क्रैचिंग का एक मसला होता है। उसने फौरन लोगों को बुलाया कि भाई मैंने सोराइटिक अर्थराइटिस को पा लिया है, और उसने मुझे जो मेडिसिन दी वो कैंसर की थी, मैं तो ट्रिक्जेट वगैरह, और वो एक गोली खाने के बाद मैं एक हफ्ता नहीं उठ सका यार भाई। और जब दूसरी दवाई का, और पहले तुम बहुत सारे टेस्ट किए और बहुत सारा मुझे कहा आपके बाल गिर जाएंगे, तो मजीद बच्चे पैदा नहीं होंगे। मैंने कहा 5 है काफ़ी है, ठीक है ना, तो ज़रूरत नहीं है मजीद। तो खैर उसने मुझे डराया धमकाया, जब दूसरी गोली खाई फिर 10 दिन नहीं उठ सका। तो मैं अपने पीर मुर्शद के पास गया, ये टाउन में होते थे शफीउल्लाह खान साहब, वो रेडियो और टीवी के आदमी थे लेकिन तसव्वुफ में गए थे। तो मुझसे कहा कि मेरे हिसाब से आप में कोई बीमारी नहीं है। मैंने कहा ये स्किन की बीमारी और इतनी ख़तरनाक है, मेरी तो लाइफ ख़त्म हो गई। उसने कहा ये जो नासरबाग है, इधर नहर के किनारे एक डॉक्टर बैठता है कौसर, और वो स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है लेकिन स्किन के मरीज डील करते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर कामिल के साथ रहा कि पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े स्किन स्पेशलिस्ट हो। उसके पास मैं गया, उसने कहा यार ये तो कोई बीमारी नहीं है, आप तो बर्बाद हो गए, केस करो। फिर शफकत क्या कहा, मेरे डॉक्टर के पास वक्त नहीं था, ठीक है ना, और ऐसे ऐसे आप ट्रीटमेंट में वो गलती कर जाते हैं, टाइम तो अलग बात कि आज मैं इधर मौजूद ही ना होता, ठीक है ना, अल्लाह ने रखे। तो दो गोलियां में तो ट्रिक्जेट के बाद मैंने देखा कि कैंसर के मरीजों को कितनी तकलीफ होती है। तो डॉक्टर साहब मेरी गुफ्तगू तो ये इसमें अपना इनपुट दिया कि जिस तरह हम पुलिस में अब कह रहे हैं, बार बार कोर्सेस करा रहे हैं कम्युनिटी पुलिसिंग की, इंटरपर्सनल रिलेशन की, ठीक है, और हम ठीक नहीं हो रहे, पुलिस की गुफ्तगू लोगों के साथ ठीक नहीं है, रवैया ठीक नहीं है, लेकिन हमने बाकायदा एक कोर्स डाला हुआ है एटीट्यूडिनल चेंज का, और एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम लगाया हुआ है कि जिस पुलिस के बारे में कोई बात हो स्टैंडिंग गार्ड में हमारा, जिसमें उसका मुआशरे के साथ रवैया ठीक ना हो तो उसको भेज देते हैं मेरे पास ट्रेनिंग के लिए एटीट्यूडिनल चेंज। वो 3 महीने रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग होती है और अखलाकियात की, उसको अखलाकियात कोर्स है, लोग पुलिस उससे बहुत डरती है, वो सज़ा बहुत सख्त है, ठीक है, और उसके बाद रिपोर्ट देना पड़ती है 6 महीने बाद कि इसके अखलाक ठीक हुए कि नहीं हुए, तो बताए हुआ कि नहीं हुआ। ये बुजुर्गों की तरह ना तसव्वुफ की तरह हम उसको रगड़ा देते हैं, मुजाहिदा कराते हैं, तो लोग उससे बहुत डरते हैं। तो ये भी एक उसके बावजूद ठीक नहीं हो रहे, ये भाई कोई ऐसी बात नहीं है, उसके बावजूद ठीक नहीं हो रहे, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन डिपार्टमेंट में ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। हाँ थैंक यू वेरी मच सर। मैं बहुत एक छोटी सी बात कह दूँ फसलुद्दीन साहब की आखिरी बात पे, आप लोगों को अखलाकियात जब सजा के तौर पे सिखाएंगे तो लोग अखलाकियात नहीं सीखेंगे। हाँ नहीं सीखेंगे, नहीं उसका नाम अखलाकियात कोर्स है, और आप अगर उसको सजा के तौर पे सिखाएंगे तो ना वो जो बदतमीजी की होती है उसकी सजा के लिए एटीट्यूडल कोर्स होता है, अखलाकियात नहीं है। डॉक्टर शब्बीर साहब को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत इस दौर में जो गुफ्तगु हो चुकी और काफ़ी चैलेंजेस हैं इस ट्रैक पे आना जिस पे आप चल रहे हैं। माजी में मैंने अपने आंखों से खुद देखा और पुराने लोग सब जानते हैं कि इसी तरीके से एक पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसके असरात भी थे, सारी चीज़ें थी, और प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ मैं खुद भी हूँ और वहाँ की भी अलग एक दुनिया है इसी तरीके पे, लेकिन जो चैलेंजेस हैं उसकी रोशनी में वाकई बहुत मुश्किल है प्रैक्टिस करना, लेकिन आप काबिल सताइश भी हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं कि आपने इस चैलेंज को कबूल भी किया है, और शमा जब रोशन होती है तो उससे फिर दिए से दिए आगे भी जलता है, तो इसी जज्बे से इस पर काम होना चाहिए जैसे कि फसीदीन साहब ने भी कहा, और इसको बढ़ाना चाहिए,
और ये एक बड़ी यानी इस दौर में इस मौजू पे बात सुनना भी मेरे ख्याल में ये बड़ी एजाज़ की बात है। मैं तबीयत बड़ी खुश हुई है और चाहूँगा ये कि इसको फैलाया जाए और चैलेंजेस तो होते हैं, हाँ उस पर काम करना चाहिए जी। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, काम होना चाहिए। सर आप अगर मतलब यानी अख्तितामी एक दो बात मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी बातें सुनकर, और तमाम आप ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और बड़ी अच्छी सजेशन भी दी हैं। डॉक्टर फसीदुद्दीन साहब ने भी अच्छी बात की है, मेरे दोस्त हैं और डॉक्टर शिजा साहब भी बड़े अच्छे हैं। और हकीकता ये जो सिर्फ ये सोच पैदा हो जाना कि डॉक्टर मरीज के हवाले से सोच रहा है, जिसे आप पैराडाइम शिफ्ट वगैरह कह रहे हैं, और पेशेंट डॉक्टर रिलेशन, और उसमें जो आपने साइकोथेरापी का जिक्र किया है, वाकई ऐसी बात है कि इवन द एक्ट ऑफ मेडिसन ऑन ह्यूमन बॉडी इज थ्रू नर्वस सिस्टम। यानी इस बात को आप यानी देख लिया जाए कि कोई दवाई भी इंसानी जिस्म पर जो असर करती है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू ही असर करती है। तो नेचुरली साइकोलॉजी का या नर्वस सिस्टम का तो असर हुआ, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी पहलू जो है वो समाजी अखलाकियात का इसमें नज़र आया है कि आप जैसे डॉक्टरों में मतलब है डॉक्टर के लिए तो हमारा कोई अच्छा इमेज नहीं है। सब इनको कसाब कोई कहता है, कोई क्या कहता है कि मतलब है, क्योंकि उसका टाइम ही उसके पास नहीं होता है। ही बिलीव्स इन वो टेस्ट जो होते हैं उन पर बिलीव करता है, और वो टेस्ट गलत भी हो सकते हैं, उसका चेक नहीं है। लेबॉरेटरीज का आगे जो एक्सपर्टीज है वो भी ठीक नहीं है, और वो जो उनकी अपरेटस हैं वो भी, मैंने कितने लोगों को देखा है, एक डॉक्टर मोहिद्दीन होते थे, मेरे चाचा का लड़का था, उसका कोलेस्ट्रामी हो जो पित्ते का मसला था, वो पिता उसने निकाला और वो उसमें इतनी बड़ी गाज छोड़ दी, डेर अजमीर खान के डॉक्टर मोहिद्दीन थे। अच्छा वो पता ही नहीं चले, और बाद में वो हम उसे डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल शौकत के पास लेकर गए, उसको भी पता नहीं लगे, लेकिन उसने एकदम एक्सरे को ऐसे रीड किया, मैं खड़ा था उसके पास, गाजी वाज माई फ्रेंड, खुदा बख्शे से लेफ्टिनेंट जनरल मलिक शौकत थे मेडिकल कोर के जब, उसने कहा यार ये मुझे जाली सी नज़र आ रही है, देर इज समथिंग लाइक उस एक्सरे को, और उसने उसमें से वो गाज निकाल दी, गाज निकाल दी, अदालत में मुकदमा चला। वो डॉक्टर कहता है उसने प्रोटोकॉल हमें बताए सर्जरी के कि गाज रखना मेरा काम नहीं, गाज वो जो पैरामेडिक्स है ये उनका काम होता है, वो गिन के रखता है और गिन के निकालता है और ये और वो। अच्छा हम वो डॉक्टर उसके पास गए शौकत के पास कि कुछ लिख कर दे दो कि ये गलती हुई है, लेकिन उसने अपनी डॉक्टर कम्युनिटी का ख्याल रखा, उसने कुछ भी लिख कर नहीं दिया, उसने बात कह दी कि हाँ मैंने ऑपरेशन किया है, घास था ये था, लेकिन उसने ये नहीं लिखा जिस पर हमने मुकदमा किया हुआ था, वो लीगल मुकदमा भी हमारा गलत था कि हमने सिर्फ डॉक्टर को पार्टी बनाया हुआ था, वो बीच में बाकियों को भी पार्टी बनाना चाहिए था ना, वो वकील आगे वो भी पैदल थे, वकील को भी ये चाहिए था ना कि वो बता दे कि इसमें ये करोगे तो कुछ तुम्हारी कोई बात बनेगी। तो एनी हाउ ये आपकी जो सोच पैदा हो गई है जो डॉक्टरों में, अगर आप जैसे डॉक्टर हों और डॉक्टर कम्युनिटी आपस में बैठे और पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप में, तो मैं कहता हूँ बहुत सारी बीमारियाँ जो होती हैं साइकोलॉजिकल हम पर हैं, जैसे इन्होंने स्ट्रेस फ्रैक्चर की बात की है, देखिए ये वो साइकोलॉजिकली लोगों को, मैंने देखा है लोगों पर स्किन पर आबले पड़ जाते हैं नफसियाती, तो देर आर सो मैनी थिंग्स। तो आई अप्रिशिएट यू कि आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, और ये डॉक्टरों में खास ये सोच पैदा हो जाए तो एक माशरे की बेहतरी के लिए ये कदम है, और ये जो लोग दर बदर फिर रहे हैं, और वो मेरा मतलब है ये चीज़ें ख़त्म तो कभी भी नहीं होंगी, लेकिन वो डॉक्टर वसीउद्दीन साहब वाली बात कि मतलब है कि शुरुआत तो कर दी जाए ना हर मत, ये बस दी बात दैट्स आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। ओके मैं एक छोटी सी आखिरी बात करूँ, हम
इंताफ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो आज की पैनल डिस्कशन है इसका हम कोई कंक्लूडिंग नोट भी दें कि हमने बात की है ताकि कोई फायदा हो इसे. कि पैराडाइम शिफ्ट की बात हुई है, सर ने क्या पैराडाइम सजेस्ट किया है जिसमें ये कहा गया कि ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच अपनानी चाहिए और डॉक्टर्स को एथिक्स. फसीुद्दीन साहब को तो बेटा अगर तुम एक छोटा सा नोट जो आज का है ना कंक्लूडिंग वो इल्ताफ साहब को भेज दो ताकि सोशल मीडिया पे हम एक तो डिस्कशन हो गई, डिस्कशन का फायदा भी होना चाहिए और हम आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे हमारी आपके साथ कोलेबोरेशन होगी कि एक इंसान अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है मगर वो अच्छा इंसान एक अच्छा सिस्टम भी दे जाता है तो वो ये ज्यादा अच्छी बात है. तो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे हमारी कोलेबोरेशन आपके साथ होगी फिलोसफी डिपार्टमेंट की भी कि अगर आप किसी ऐसे सिस्टम के साथ आ जाए जिसको हम ज़्यादा उसकी तशहीर करें, डॉक्टर्स में भी बात करें, आम लोगों में भी अवेयरनेस पैदा करें. तो थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज अ वंडरफुल टॉक. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू पे आपने बात की, हम इसको आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह. डॉक्टर साहब ने एक मुश्किल और नादिर मौजू को बहुत अच्छे और मुदलिम तरीके से बयान किया. अगर हम इस मौजू को एक समराइज करें या एक समरी में हम इसको पेश करें तो बुनियादी बात यही निकल आती है कि मतलब डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान जो टाइम की वजह से वो इंटरेक्शन कम हुआ है जिसकी वजह से वो डॉक्टर जो है पेशेंट को ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बजाय मैकेनिस्टिक अप्रोच करते हैं ज़्यादा. तो मतलब वो टेस्ट के रिजल्ट्स पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है वो इग्नोर हो जाता है. तो ये कुछ बातें इंशाल्लाह इसको समराइज करेंगे फिर उसको आगे लेके चलेंगे. लेकिन इस मौजू पर और भी कहने को बहुत कुछ है लेकिन वक्त के इख्तिसार को मद्देनज़र रखते हुए हम इस प्रोग्राम को यहीं पर इख्तिताम तक पहुँचाते हैं और आप सबको आने का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं. इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह नादिर और बहुत अच्छे अच्छे मौजूदात पर हम आइंदा भी सेशन मुनाकिद करेंगे. एक दफ़ा फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया. थैंक यू. एक आखिरी बात डॉक्टर साहब को हमारे एक बार सिकंदर साहब के हाथ अगर ये शील दी जाए तो मेहरबानी होगी.